छत्तीसगढ़ सरकार ने रामवन गमन पथ के विकास का निर्णय लिया है, जिसके बाद इस दिशा में सरकार काम कर रही है। कोरिया जिले के भरतपुर विकास खंड के हरचौका इलाके में सीतामढ़ी स्थित है। इस जगह को छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम, भाई भरत, सीता मैया के पहले प्रवेश के रूप में जाना जाता है। मवई नदी के किनारे पत्थरों को काट कर ये सीतामढ़ी बनाई गई है, जहां साल भर लोगों का आना जाना रहता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके विकास के लिए 3,50,00,000 की राशि स्वीकृत की है, जिसे 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल भी किया गया है। रामगमन के पर्यटन विकास के अंतर्गत 1,70,26,000 रूपये, जय श्री महाकाल विकास कार्य के लिए 63,51,000 रूपये, घाट पर कियोस्क कार्य और बैठने की जगह व गजेबे निर्माण के लिए 1,16,00,000 रूपये स्वीकृत किए गए हैं। इलाके के विधायक गुलाब कमरों ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू का आभार जताया है। द्वितीय प्रथम अनुपूरक बजट में रामगमन हरचौका के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 3,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को, माननीय प्रभारी मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हरचौका के लिए अपने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जो बजट में प्रावधान किया है, निश्चित रूप से जितनी भी प्रशंसा करें कम है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरह से भगवान राम के जिन जिन स्थानों में गए थे उनका चयन किया गया है, उसमें हरचौका प्रथम स्थान में चयन किया गया है, तो निश्चित रूप से पर्यटन के रूप में जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो विकसित करने का जो पीड़ा उठाया, निश्चित रूप से अब वो दिखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में, और भी वहां पर पैसे का प्रावधान किया गया है। कोरिया छत्तीसगढ़, कविराज विश्वकर्मा।